क्या है लखा, तू अभी भी बिस्तर पे है? नहीं मैं नहीं हूँ। तुझे पता भी है कितना समय हुआ है? अभी तो सुबह का 6 बजे है। 5 बजे से काम शुरू कर देना चाहिए था। देखते हैं इस उपकरण के साथ मैं कितना काम कर सकता हूँ। चला चलें। छोटे, अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो जब तक हम पिकनिक पर पहुंचेंगे तब तक कुछ खाने को नहीं बचेगा, समझ में आया तुम्हें? हाँ? हे डब्लू, ये देखो। हाँ? तुम जमीन पर छिलके फेंकते हुए क्यों चल रहे हो? हाँ? छोटो जाओ भाई, ये तो आम बात है। ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। चलो चलो मेरे साथ ही छिलके को उठाओ और कचरे को साफ करने में मेरी मदद करो जल्दी। अपने इस पहिए वाली बोर्ड के साथ मैं बहुत जल्दी चल सकता हूँ और वो भालू मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। मुझे तो ये कहना ही पड़ेगा कि शायद में डूबे केले दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। तुमने सही कहा। ये क्या? अरे जंगल में बस एक ही है जो इतनी भयंकर आवाज निकाल सकता है। लखा बाल बाल बच गया, इसे रोकना तो मुझे आता नहीं। हम जंगल के रखवाले हैं। हम जंगल के रखवाले हैं। टकले लक्का, क्या तू ठीक है? हम पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ तबलू। क्या लक्का, क्या तू ठीक है? बोल। ये क्या, लक्का को चोट लग गई तुम्हारे फेंके हुए छिलके की वजह से? पर मेरा मतलब ये करना नहीं था। तबलू, इसे वापस ले जाने में मेरी मदद करो। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है, इस दर्द को रोक लो। हमें माफ कर दो लक्का। ये मेरी गलती नहीं थी, सब इसने किया है। मुझे माफ कर दो, ऐसे दोबारा नहीं होगा टकलो, समझ ले। लगता है तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। वैसे इसको देखकर लगता है कि इसको बहुत दर्द है भाई। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग बस एक ही चीज कर सकते हैं डब्लू, इसका ध्यान रखना होगा हमें, समझे? मुझे पता था तुम यही बोलोगे भाई। मेरा मतलब अब तुम अकेला तो नहीं चल सकते भाई। सही कहा। अरे यार, तुम दोनों की वजह से आज मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, तो तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना पड़ेगा ना, और तुम भी जानते हो कि यही सही होगा। अरे मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, चिट्टा बात कर रहा। अरे उसको देखो, तुम्हें दर्द अभी नहीं हो रहा है शायद? क्या? नहीं, अरे बाप रे, इतना दर्द तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर लेट जाना चाहिए। रुको 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 रुको, हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को ला दोगे? डब्लू, इसके लिए कुछ खाना लेकर आओ और मैं कुछ इसके लिए पट्टियाँ ले आता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये चीज इन दोनों को कुछ समय के लिए व्यस्त रखने वाली है। ओह, यार दर्द हो रहा है मुझे। बहुत भालू मेरे बहुत काम आने वाले है। क्या तुम तो अभी खड़े थे? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पट्टियाँ लगा देता हूँ। अरे आराम से आराम से। नहीं नहीं, मैंने कहा मेरा दाहिना हाथ, रुक जाओ ना। ठीक है, तुम्हें इससे अच्छा लगेगा लखा? ये एक अच्छा दिन है, जाके थोड़ी देर सूरज की किरणों में बैठो। ये अच्छा था, धूप बहुत तेज हो रही है। अरे सही कहा तुमने, क्या तुम चाहते हो मैं चादर लेके आऊं? नहीं शुक्रिया, बस थोड़ी देर के लिए मुझे पंखा दे दे रहो। हाँ मैं समझ गया। हाँ क्या बात, थोड़ा पानी अच्छा होगा। मैं भी आ रहा हूँ। ये पानी। पागल हो गया हो क्या तुम? तुमने मेरी जीभ जला दी थी। मैं इसे ठंडा कर देता हूँ, ये ले।
हो गया। जाओ मेरे लिए शहद ले आओ, मुझे शहद चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, मुझे शहद चाहिए। ये बस आ गया, मैं वापस आ गया। हम जल्दी चलो डब्लू। मैं थक गया हूँ लड़का, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन जितना चाहिए उतनी जल्दी नहीं जा रहे हो, और जल्दी चलो डब्लू। अरे लड़का मैं थक गया हूँ, अभी मुझे नहीं लगता। क्या नहीं हो सकता, मैं ये नहीं खा सकता हूँ। डब्लू तुम्हारे लिए अभी मछली लेकर आ रहा है लड़का। भाई हमें लगता था और कितने दिन ध्यान रखना पड़ेगा, बोलो। लखा जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हमें ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे ठीक होने में कम से कम 100 दिन तो लगेंगे ही, शायद ज्यादा ही। अरे 100 दिन, ये तो जिंदगी भर का काम लगता है। एक दो तीन चार पाँच छह सात अरे यार अभी तो कितने दिन बाकी है। छोटे खाना लाने का समय हो गया, चलो। हाँ ठीक है। आखिरकार मैं आराम से हिल डुल सकता हूँ। लखा तू पिछले एक हफ्ते से कर क्या रहा है, मुझे तुझसे एक भी लकड़ी नहीं मिली अभी तक। बात यह है कि वो क्या है ना सर, लकड़ी काटते वक्त मुझे बहुत जोर की चोट लग गई थी और डॉक्टर ने कहा मुझे आराम की जरूरत है। क्या मैं पागल हूँ लखा, बीमे दावा कहाँ है, मुझे लकड़ियाँ ला के दे वरना तुझे सच में चोटें लगेंगी। आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे सर। हो गया मेरा कबाड़ा। लखा क्या है, ज्यादा मजबूत है ये लाटोड़ा और लॉक तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे इन दोनों से छुटकारा पाना होगा ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। अरे बबलू डब्लू ये देखो, मैं अपने हाथ हिला सकता हूँ, मुझे लगता है मैं अब अपना काम खुद कर सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर ने 100 दिन कहा था, तो उन्हीं की बात मानेंगे ना। तुम सही कह रहे थे। नहीं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अरे यार मुझे आज काम पर जाना ही होगा वरना मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। अरे मेरी आरी कहाँ चली गई। बाल बाल बच गया मैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बोलो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बस बोल दो, मैं भाग कर ले आऊंगा। मैं भी कर सकता हूँ। मैं ठीक हूँ कहा ना, मैं चाहता हूँ तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो, समझे। पर लक्का तुम्हें हमारी जरूरत पड़ सकती है। मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। सच में? हाँ बिल्कुल। लक्का पकड़ा। चला ठीक है, देखा तुमने, देख लिया ना मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है अब लगता है लक्का बिल्कुल ठीक है भाई, हमें चलना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा लक्का बिल्कुल ठीक है, अभी हमें घर चलना चाहिए। मैं तो शायद कहूँगा और दिन में 3 बार जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। आखिरकार उन बालुओं से मेरा पीछा छूट गया। ये क्या, मुझे अपने हाथ महसूस नहीं हो रहे, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा।